ये अपने पास डिस्प्ले आया था, ओके, ये शायद प्लाज्मा कटर मशीन का डिस्प्ले है, ओके, डिस्प्ले प्लस कंट्रोल पैनल है, ओके, मतलब यहीं से आपको ऑपरेशन ऑपरेट भी करना है, देख सकते हो यहाँ पे कीपैड फंक्शंस है। तो अभी मैंने इसे रिपेयर किया, इसमें प्रॉब्लम कैसा था कि ये पूरा डेड कंडीशन में था, तो इसके 24 वोल्ट के पावर सप्लाई में इशू था, ओके, तो 24 वोल्ट के पावर सप्लाई को रिपेयर किया, उसमें मुझे आपका एक सिंपल एक बूस्टिंग मेथड में, ओके, बूस्टिंग मेथड में एक कंपोनेंट यूज था, ओके, वही कंपोनेंट सिर्फ डैमेज, बाकी ईच एंड एवरीथिंग कार्ड पूरा ओके था। तो अब वो कंपोनेंट, दो सेकेंड, कहाँ पर रख दिया, ऐसा समझो उसके अंदर ना आपका, आपने एक जो SMPS कंट्रोलर के लिए MOSFET प्लस इंटरनल स्विचिंग कंपोनेंट आता है, ठीक है, वो कंपोनेंट तो नहीं मिल रहा मुझे, MOSFET प्लस इंटरनल स्विचिंग ही रहता है, जैसे आपका बोल सकते हो एक इनबिल्ट SMPS रहता है छोटा सा, ठीक है, बट वो कंपोनेंट रहता है, ट्रांसफार्मर ये वो अलग रहता है, तो वो कंपोनेंट से डैमेज था, बाकी ओके था। तो ये ट्रायल वीडियो है, ओके, तो अभी ऑन कर रहा हूँ, अभी मैंने पावर सप्लाई दिया, ठीक है, 24 वोल्ट इनपुट दिया मैंने, देखो अभी बूट ले चुका है, ठीक है, ऑटो बीट आफ्टर फाइल सिस्टम ओके, बूट सक्सेस हो गया, बाकी फंक्शन ऑन हो रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, लाइट बंद करता हूँ, देखो ये आपका सक्सेसफुली डिस्प्ले रिपेयर हो चुका है, आ चुका है इसके ऊपर, तो ये शायद 100% प्लाज्मा कटर का ही है, तो ये रिपेयर हो चुका है, इसमें फॉल्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, आप सिंपल फॉल्ट था, 24 वोल्ट मिसिंग था, बस उतना मैंने रिकवर किया, बाकी कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था उसके पीछे, ठीक है। इस तरह के डिस्प्ले भी अगर आपको रिपेयर करवाना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9762289704। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, थैंक यू।